और यार इस चीज के बाद ना वो बंदा अपनी जिंदगी में कभी भी दरवाजे के आसपास भी नहीं भटकेगा। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम, और स्वागत है आपका एक विराट न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी दो मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। अब देखो, आपने जिंदगी में कई सारे धोखे देखे होंगे, जैसे कि यार मेरे साथ होता ही रहता है ना। टाइम टू टाइम भैया कभी नेट धोखा दे देता है, कभी गन धोखा दे देती है, सीन बहुत गलत होते हैं। लेकिन इस मैच में थोड़ा अलग होगा, इसमें दरवाजा धोखा देगा। वाह भाई, इसे कहां से गन मिली है? अब देखो इस मैच में दरवाजा धोखा जरूर देगा, लेकिन चीज क्या है, धोखा तुम्हारे भाई के साथ नहीं होगा। हाँ ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, मतलब यार सारे गलत सीन मेरे साथ ही होते हैं, लेकिन इस बार किसी और के साथ गलत सीन होगा और मैं ही करूंगा वो गलत सीन। खैर यहाँ पे मेरे टीममेट के साथ गलत सीन हो चुके हैं, भाई को नॉक करके लेटा दिया है साइड में, तो मैं डेड पैड रिवाइव देता हूँ और अंदर वाले घर पे भी एक बंदा बैठा है तो उस पर रस करता हूँ। अब देखो, अगर आप रोजॉक जैसी जगह में आए हो और अगर आप पे M16 भी है ना, आप बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बंदे निहत्ते नंगे भैया बुरी तरह पिटते हैं यहाँ पे, ठीक है। कई बार यार कपड़े छीन लिए जाते हैं पेल के, तो हाँ M16 मिली है, काम चलाओ कहने यार काम चला लेंगे। तो एक बंदा ऊपर जा चुका है, लेकिन अगल बगल घरों में भी बंदे बैठे पड़े हैं। और हमारे ये भाई AKM लेके छत पे चढ़ गए थे, मेरे ख्याल से गलती से ये भाई नीचे गिर गए यहाँ पे। मार रहा, मार मार। और यहाँ पे AKM वाले बंदे को पेलते ही मैं दूर वाले बंदे को भी पेल देता हूँ। अरे आप तो देखो यार, AKM वो क्या मिल गई है, ढंग की गने मिल चुकी हैं, तो टाइम आ गया है इसके बाकी टीममेट्स को पेलने का, जो कि यार आगे घर पे बैठा है। अब देखना ये है कि उस भाई पे कौन सी गन है, कोई महंगी गन ना हो बस। और हमारे बेचारे भाई पे एक पिस्तौल और शॉटगन होती है। हाँ मतलब यार रोजॉक में आओगे तो ये भी मिलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखो हम ये भाई मेरे टीममेट को पेल रहे थे है ना, शॉटगन से ऊपर नीचे गोलियां चला रहे थे और मैं अंदर घुस के पेटी बना गया। अब देखो मैंने सामने भी एक बंदा नॉक किया था, तो यार किल की भूख बहुत जोर से लगी होती है, तो मैं स्मोक करता हूँ, स्मोक खुलता भी नहीं है, स्मोक खुलने से पहले ही रोड पार कर लेता हूँ, तो एक तरह से मैंने स्मोक बर्बाद कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं रोड पार करने से डर रहा था, लेकिन यार हमें कोई नहीं देख रहा था, वहां आगे अपने ही सीन चल रहे हैं, अपनी गोलियां चल रही है। तो एक बंदा पीछे की तरफ भग के आ रहा होता है ना, कूदा फांदी करके भाई भगने की कोशिश करते हैं वहां पे, और पीछे मैं ढीठ की तरह AKM लेके खड़ा होता हूँ। अब देखो सामने से भी कोई उजी पटका रहा था, तो उसे भी निपटाना पड़ेगा। और ये ऊजी वाला बंदा मेरे मुंह के सामने बिल्कुल एक बॉट की पेटी बना देता है ना, मतलब यार बंदा ऊपर से कूदता है, ऊजी का स्प्रे देके बॉट को पेलता है। मतलब बॉट पेलने की लालच इतनी थी भाई में कि भाई ने मेरे को ही नहीं देखा, मैं नीचे खड़ा बैठा हूं वहां पे। खैर एक और बंदा ऊपर है, तो उसे भी पकड़ते हैं। और हमारे ये भाई बिल्कुल दरवाजे के आगे शॉटगन लेके बैठे होते हैं, हाँ मतलब यार इस शॉटगन से बहुत डर लगता है, देखो दो ही गोली चलती है इससे, और अगर हम एक साथ ऊपर जाते तो मेरे ख्याल से दो गोली में काम हो जाता अपना, लेकिन मैं पीछे ही था, मैं पीछे से कवर फायर देता हूँ और ये पूरी स्क्वाड ढिल जाती है। अब देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ, पूरी स्क्वाड ढिल गई, मेरे को क्या लगा ठीक है यार सब मर गए, सब ढिल गए, बहुत ही बढ़िया, अपन चौड़ में लूटेगा। देखो लूटने के लिए यहाँ पे कद्दू भी कुछ नहीं होता यार, रोजाओ के ये है ना, लूट के नाम पे कद्दू कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं, लेकिन यार क्या करें, बाकी बंदे भी पेलने हैं तो थोड़ा बहुत तो लूटना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी बची कुची लूट होती है, यहाँ पेटियों में बॉट जो लूट लाए होते हैं उनको मैं लूटता हूँ और आगे जा रहा होता हूँ, और आगे मुझे एक और मासूम बॉट दिखता है, तो मैं पेटी बना देता हूँ उसकी।
अब ये जो मैंने बोला यार मासूम बॉट, ये बोलना गलत होगा बहुत, है ना। कई बार ऐसा हो चुका है यार, बॉट मुझे नॉक करके चल जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों पबजी ने बहुत खतरनाक बना दिया है बॉट को। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होता है, मैं समोक करता हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में यही है अभी भी कि यार सब खिल चुके हैं, लेकिन न जाने क्यों मुझे समोक बर्बाद करने की आदत है, तो मैं समोक ऐसे ही फेंक देता हूँ, और यार मानो या ना मानो काम आ जाता है। अब देखो रोजॉक में कम लूट के साथ साथ आपको बंदे कैंप करते हुए भी देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब यार कब से ये यहाँ पे बैठा होगा, सब लड़के ठिल गए लेकिन हमारे भाई छत पे ही बैठे थे, और अच्छा हुआ समोक बना लिया, नहीं तो यार मेरे टीममेट की पेटी पक्का बना देता वो। अब देखो नेड मैंने कर दिया जिससे कुछ भी नहीं हुआ, है ना, वो साइड में भग जाता है। तो मैं सबसे पहले रिवाइव पेलता हूँ और घर के अंदर जाऊँगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कितने बैठे हुए हैं यहाँ पे बंदे। अब जब भी मेरे साथ ये चीज होती है पबजी में, मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्यों? ठीक है यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये चाहता क्या था बंदा। बंदे ने उठ के फायर दिया, कैम करके बैठा था, हमें कद्दू भी नहीं पता था वो किधर है। भाई ने फायर दिया, ठीक है नॉक कर दिया, मुझे लगा ठीक है यार फाइट लेनी होगी भाई को, लेकिन नॉक करने के बाद भाई भग रहे हैं। अब देखो यार अगर भगना ही था तो गोली चलाई ही क्यों, ठीक है, और अगर गोली चलानी ही थी तो यार भागने की क्या जरूरत है। खैर जो भी हो समोक ने बचा लिया, बहुत ही बढ़िया यार, लग नहीं रहा था। अब देखो इसको पेलने के बाद रोजॉक में आपको पता यार टाइम टू टाइम बंदे आते रहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों और क्या करने आते हैं ये। देखो मैं तो पहाड़ी में आता हूँ लेकिन ये लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो मुझे बाइक की आवाज आई है और पिस्तौल की भी आ रही आवाज। अब ये दो बंदे यहाँ बाइक से आते ही पिस्तौल पटकाने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसी हरकत इन्होंने क्यों की मेरे समझ के पा रहे। अब ये तो शायद ये बोट फायर देना चाह रहे थे एक पिस्तौल से, लेकिन यार बाइक की आवाज मैं सुनी चुका था, है ना। और यार पबजी इतना खतरनाक नहीं किया है बोट को कि अब वो बाइक भी चलाने लगे। सही में यार जिस दिन बोट गाड़ी चलाने लग गए ना, मेरा विश्वास उठ जाएगा इस गेम से, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। खैर जो भी हो इनकी पेटी बना दी और आखिरकार जाके रोजॉक खाली हो चुका है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है। खैर जो भी हो अपन लोग यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि रिसक बहुत है यहाँ पे, बंदे बगैर फुटी स्टेप दिए कैंपिंग करते हैं, और आगे जाते जाते गलत सीन बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले कि ज़्यादा गलत सीन हो, हम धड़ पेड़ बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्सबैट, जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कद्दू बॉल, वॉलीबॉल, दो बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, इन सब चीज़ों पे बैट लगा सकते हो और अपने प्रिडिक्शन स्किल्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको 100% बोनस मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट में, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा। साथ ही साथ इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी देखने को मिलेंगे, तो हाँ आप मिनी गेम्स खेल के भी पैसे अर्न कर सकते हो। तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज़ का शौक है, आप इस ऐप को ज़रूर ट्राई करके देखो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। और इससे पैसे विड्रॉ करना भी हलवा है बिल्कुल यार, गूगल पे, कद्दू पे, पेटीएम, सब कुछ है इसमें, लिंक कमेंट सेक्शन में होगी इसकी। खैर यहाँ पे मैं बंदों की तलाश में निकल पड़ता हूँ, है ना, क्योंकि यार इतने किल से कद्दू कुछ नहीं होने वाला, केडी कैसे बढ़ेगी, वीडियो कैसे बनेगी। तो देखो सामने से गाड़ी भर के एक गाड़ी गई है, गाड़ी भर के नहीं, बंदे भर के एक गाड़ी गई है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, है ना। अब देखो थोड़ा सा डैमेज दिया था, ज़्यादा गोली लगी नहीं, है ना, सस्ता स्प्रे अपना, लेकिन उतना डैमेज काफ़ी था इन बंदों को रोकने के लिए। तो देखो मैप मैं खोलता हूँ और मेरा 1.5 IQ दिमाग बताता है कि यार एक ही घर है और यहीं पर रुके होंगे बंदे, और यहीं पर रुके होते बंदे। तो करना क्या था, मैं ऊपर पहाड़ी पे लाता हूँ, क्योंकि यार मुझे पक्का नहीं पता बंदे कितने हैं, क्योंकि देखो अगर 4 बंदे हुए और मैं बेवकूफ़ों की तरह गाड़ी ठोकता हूँ ना, तो वो लोग मुझे ठोक के मेरी पेटी बना देंगे। तो यहाँ पे उन्हें नहीं पता मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, है ना, उन्हें लग रहा है यार मैं बस ऐसी मस्ती में गाड़ी चला रहा था, मैं भाग लिया हूँ वहाँ से। लेकिन यार उन्हें ये नहीं पता कि मैं बहुत ढीठ इंसान हूँ, तो मैं फ़ायदा उठाता हूँ, मैं बस इंतजार कर रहा हूँ, एक बंदा ये
खिड़की है कि क्या है, घर के बाहर की साइड आए, इस छज्जे टाइप में आए और मैं उसकी सीधा पेटी बना दूं। और काफी इंतजार के बाद आता है कोई। अब देखो यहाँ पे मैं क्यों रुका था, ये खिड़की के बाहर स्कोप खोल के। तो देखो जब भी आप उस घर पे जाते हो ना, एक खुजली टाइप मस्ती है, खुजली मस्ती है, वो क्या कहते हैं उसे, बालकनी, बालकनी में जाने की, है ना। तो यार देखो मैं जाता हूँ घर पे, मुझे खुजली मस्ती है, मैं एक ना एक बार बाहर जाके जरूर अंदर आता हूँ ठंडी हवा लेने के लिए। तो मुझे लगा क्या पता मेरी तरह इस बंदे को भी खुजली मचे। तो भाई बाहर आता है और सीधा पेटी बनती है, मतलब वो बंदा जितने जल्दी मुड़ सके उतने जल्दी मुड़ता है। लेकिन यार मैं भी ढीठ बैठा हूँ यहाँ पे, जितने जल्दी मैं पेटी बना सकूँ उतने जल्दी पेटी बनाता हूँ। और अब देखो यार इनका एक बंदे की पेटी बनी चुकी है, तो टाइम आ गया है घुस के पेलने का। तो इस सस्ते घर पे गाड़ी ठोकता हूँ और इसी घर पे बंदे बैठे पड़े होते हैं। अब ये दोनों बंदे क्या करना चाह रहे थे यार, मेरे समझ के बिल्कुल पा रहे हैं। ठीक है, एक बंदा यही बिल्कुल सामने खड़ा होता है सीढ़ी के और दूसरा बंदा नीचे कूद के पीछे भागने की कोशिश कर रहा होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो भी कर रहे थे बंदे, ये था 100 IQ गेम प्ले। ठीक है, अपना गेम प्ले यार 150 IQ तक ही सीमित है, तो हमारे समझ नहीं आएगा, मेरे समझ नहीं आएगा ये चीज। खैर जो भी हो, इन दोनों बंदों की पेटी बना दी। अब यार ब्रिज पे जा रहे हैं और ब्रिज पे भी दबा के गलत सीन चल रहे होते हैं। और हाँ भाई लोग, अभी तुम्हारा भाई पोको का गिव अवे कर रहा है रिहो टीवी में, जो कि बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। तो यार आप पे अभी भी मौका है पोको मोबाइल फोन जीतने का, तो यार रिहो टीवी पे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे अपन डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं 9 बजे से। तो यार उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में, फॉलो करना मत भूलना। खैर उसी के साथ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो जोन के अंदर, और उतने में ही ब्रिज से यार गोली चलने की आवाजें आती हैं। अब यहाँ पे ये बंदे ब्रिज ब्लॉक करके यार उस पार वाले बंदों को परेशान कर रहे होते हैं। तो यार कैसे ना जाता मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भाई लोग यार मस्त ब्रिज कैंप करके पता नहीं कितने बंदे पेलते हैं। जब मैं देखता हूँ यार पेटियाँ लूटी जा रही होती है, तो मैं पीछे से आता हूँ, देखता हूँ यार बंदा पेटी लूट रहा है, फिर मैं निकालता हूँ अपनी डीपी। और देखो थोड़े ही टाइम में मैं 3 बंदे नॉक कर चुका हूँ। लेकिन जो यहाँ पे सीन चल रहे, मुझे नहीं लगता इनका चौथा बंदा यहाँ पे है कहीं आसपास। तो इन 3 बंदों की मैं पेटी बनाता हूँ और किल फीड में देखो क्या ही गलत सीन मचा रखे होते हैं। ये औरा जी के पास टॉमी ही है तब से भाई, औरा मौत जो भी हुई। अब यहाँ पे मैं सस्ते 3 किल लेके बहुत खुश हो रहा होता हूँ, है ना, कि यार 3 बंदे पेल दिए, दैट बैड, किल केडी दबा के बढ़ेगी। फिर मैं देखता हूँ किल फीड में एक अकेला बंदा, ठीक है, पूरी स्क्वाड निपटा जाता है। और भाई पे टोमी गन होती है और M4 भी होती है, लेकिन हाँ टोमी और M4 से मिला के यार 16 वर्सेस स्क्वाड करके बंदा 4 बंदों की पेटी बना देता है। तो मैं बोलता हूँ यार जहाँ पे भी हो रहा है तगड़ा एक्शन हो रहा है, जाना पड़ेगा। तो मैं गाड़ी निकालता हूँ और चलता हूँ डीरॉप की तरफ। देखो डीरॉप पे मुझे गाड़ी गुड़ी दिखती है, तो क्या पता यहाँ पे कोई हो। और यार मुझे उस बंदे से लड़ने का बहुत मन कर रहा होता है, मतलब यार भाई बढ़िया पेटी बना रहे हैं, भाई लोबी खाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे किल्ली मिलेगी, तो यार उस बंदे को जल्दी पकड़ के पेलना होगा। यार यहाँ पे डीरॉप में गाड़ी गुड़ी दिखती है, जिससे मुझे साफ पता चल जाता है कोई तो आया था यहाँ पे और कुछ तो सीन हुआ है यहाँ पे। तो देखो मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कितने बंदे लेटे पड़े होंगे वहां पे। अब देखो अगर 8 बंदे लेटे हुए मिल गए ना, भाई मेरी गाड़ी की भी पेटी बन जाएगी। तो मैं जाता हूं, बोलता हूं यार किल तो करना पड़ेगा, यहां पे जाके रोकता हूं पेड़ के बगल में गाड़ी, रोकता हूं और आगे एक बंदा सपोर्ट हो जाता है, तो पेटी बनानी पड़ेगी भाई की। भाई।
अब ये भाई वही होते हैं जो चार चार बंदूक की पेटी बना देते हैं। हाँ यार, मुझे लगा कहीं पे धड़पड़ एक्शन चल रहा होगा, लेकिन यार एक्शन खत्म हो चुका था। भाई ने सबकी पेटी बना दी थी और भाई यहाँ लेट के मस्त आराम कर रहे थे। लेकिन यार मैं ढीठ था, मतलब मैं तो भटके जा रहा था गाड़ी लेके। बंदा दिखता है, पेटी बनाता हूँ और पता चलता है ये वही भाई है जो यहाँ पे सोलो स्क्वाड कर रहे थे। खैर भाई पे AWM भी होती है तो उठा जरूर दूंगा मैं, भले किसी को न ठिलाऊं, लेकिन यार उठाऊंगा जरूर। क्योंकि यार अगर आपने AWM छोड़ दी ना, तो वह एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। भले ही आपकी सस्ती स्नाइपिंग हो, AWM उठाना जरूरी है। भले ही आपका दोस्त महंगा स्नाइपर हो, नहीं उसे नहीं देना, उठा लो आप बस। वैसे देखो यार, अगर कोई खतरनाक ही मैच खेल रहे हो ना, टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है, तो दे देना उसे, कहीं गलत सीन हो जाए। लेकिन यार क्लासिक चल रहा है भैया, मुंह के सामने से उठा उस बंदे के। खैर यहाँ पे मैं रोकता हूँ, देखता हूँ कि यार बंदे किधर से आ रहे हैं और अगल बगल से कोई गाड़ी घुमा रहा होता है। बस मेरे को एक ही बात का डर होता है कि यार ये मेरी गाड़ी ना फोड़ दें, क्योंकि अगर अपनी गाड़ी फट गई ना, तो यार जोर में जाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं भगती गाड़ी में एक AWM का फटका लगाता हूँ, लेकिन यार हमेशा की तरह सर पे नहीं लगता वो। मतलब जब भी सर पे लगता है, तुक्के में लगता है, लेकिन यार तुक्का काम नहीं आया इस बार। अब देखो गाड़ी भग चुकी है, समोक यहाँ पे फिर से बर्बाद हो जाता है। हाँ मतलब यार बर्बाद ही कर रहा हूँ, कभी रोड में फेंक रहा हूँ, बस एक बार ही काम आया। खैर जो भी हो, ये लोग सामने की तरफ गए हैं और देखो जोन में एक ही घर है, मतलब घर के नाम पे मजाक है वो चीज़। खैर वहाँ पे भी अपन रस करेंगे, तो पहले मैं ऊपर की साइड रोकता हूँ, देखता हूँ कि यार सीन क्या चल रहा है, ये लोग बैठे किधर पे हैं, उसके बाद अंदर जाके पेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सस्ता सैक होता है, अभी मेरे को डर इस बात का होता है कि यार कोई ऊपर पे सांप ना बनाऊं, क्योंकि पेटी वो बहुत ही जल्दी बनाएगा। लेकिन देखो सीन क्या होता है, ऊपर कद्दू कोई नहीं होता, जो भी बंदे होते हैं नीचे होते हैं और उनकी अपनी फाइटें चल रही होती है। तो करना क्या था, नीचे गोली चलती है, मैं बोलता हूँ भैया धड़ पैड गाड़ी में बैठो और बंदे ठिलाने निकल जाओ। ऊपर से, अरे सामने सामने सामने। और हमारे इन भाइयों पे भी महंगी गने पड़ी होती है यार, ग्रोजा है भाई पे। तो देखो उसको घर पे घुस के पेलना यार दिक्कतदायक काम हो जाएगा। खैर राइट पे भी एक बंदा होता है, तो पहले मैं उसे निपटाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे जो बंदा राइट पे लेटा पड़ा होता है, उसकी सीधा पेटी बनती है। हाँ ना भाई, उठ के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यार मेरा सस्ता स्प्रे काम आ जाता है। खैर अब जो भी बंदे बाकी हैं, आगे वाले घरों पे बाकी हैं। और ऐसा नहीं है कि यार हलवे की तरह मैं पेल के रख दूंगा इन्हें, नहीं यार, ग्रोजा पड़ी है बंदे पे। और यार इस चीज के बाद ना, वो बंदा अपनी जिंदगी में कभी भी दरवाजे के आसपास भी नहीं भटकेगा, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा होता यार, मैं दरवाजे से 100 मील दूर रहता। और इसी के साथ दरवाजा तोड़ फोड़ के चिकन चुकन हो जाता है। अब देखो जब बंदा दरवाजे पे ठीपी भी ले रहा होता है यार, मस्त होगा वो। भाई बोल रहे होंगे, अरे यार दरवाजा है मस्त, मजबूत है दरवाजा, मजाक नहीं चल रहा है, दरवाजा हलवा नहीं है, दरवाजा मजबूत है, मस्त टीपी पी लूंगा मैं यहां से। ठीक है, पहले मुझे उस बंदे का पाँव दिखता है, मैं सोचता हूँ पाँव पे मारूं। फिर यार वो कौन सा नाटक था, डीजल पेट्रोल, उसके यार वो जाया बंदे की याद आ जाती है जो दरवाजा तोड़ फोड़ करता है। तो मैंने बोला क्यों ना दरवाजा को फोड़ के इसकी पेटी बनाई जाए, है ना। तो यार भाई ठीपी भी मस्त ले रहे होते, लेकिन यार दरवाजा बहुत जल्दी टूटता है, मतलब भाई समझ भी नहीं पाता कि हो क्या गया उसके साथ। खैर आज के वीडियो में इतना भाई लोग, यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते वीडियो पे लाइक पेलना मत भूलना, ठोक के पेल।
पेल के नीला टैप कर दो उसे। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब और भी ऐसे ही तोड़ू फोड़ू गेम प्ले और सस्ती कमेंट्री के लिए। तो आज के वीडियो में इतने, भाई लोग यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते एक एक्स बैट चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल मिलते हैं भाई लोग यार, बाय बाय।